हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अभिलक्ष एकेडमी और आज हम स्टार्ट करेंगे रैंकिंग टेस्ट ठीक है इसमें जितने भी रैंकिंग के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जितने भी टाइप होते हैं जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि कोई एक पर्सन लेफ्ट से किसी रैंक पर बैठा है और राइट right से किसी रैंक पर बैठा है तो आपसे पूछा जाता है कि कितने स्टूडेंट्स एक लाइन में बैठे हैं ठीक है थीके? या कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे कि ए इज़ टॉलर देन बी बी इज शॉर्टर देन सी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे और आपको बताना होता है कि टॉलेस्ट कौन है या शॉर्टेस्ट कौन है ठीक है और अगर आप देखोगे कि एक सीरीज़ दी जाती है ए बी सी डी मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज दी जाती है उसमें पूछा जाता है कि अगर हम राइट से काउंट करें उसके राइट में फिर इतना काउंट करें मतलब राइट से अगर मैं सेवेंथ काउंट करता हूं तो उसके लेफ्ट में सेवेंथ नंबर पर कौन सा लेटर आएगा तो इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो सारे रैंकिंग के अंदर कवर होंगे ठीक है तो आज की क्लास हम रखते हैं जिसमें केवल टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट से जो रैंक दी जाती है उस तरह के क्वेश्चंस जो होंगे वो आज की क्लास हम कवर करेंगे ठीक है तो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि भाई रोहन जो है रैंक करता है सेवेंथ फ्रॉम टॉप और ट्वेंटी सिक्स फ्रॉम बॉटम इन अ क्लास और मैनी हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास इसने कहा कि भाई एक रोहन है जो टॉप से अगर काउंट करोगे टॉप से अगर काउंट करोगे तो सेवेंथ नंबर पर आता है और उसी को रोहन को ही अगर बॉटम से काउंट करूंगा तो कहीं ना कहीं वो ट्वेंटी सिक्स रैंक पर आता है ठीक है तो वो आपसे पूछ रहा है आप ये बताओ कि स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल क्लास में ठीक है तो समझते हैं पहले कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं ठीक है देखो अगर मैं बात करूं कि कुछ रै मतलब एक लाइन में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं मान लो कि एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस दस स्टूडेंट्स हैं ठीक है और मैं ये कहता हूं कि लेफ्ट से अगर मैं इसको काउंट करता हूं तो ये वाला जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं फोर्थ नंबर पर आ रहा है कितने नंबर पर आ रहा है फोर्थ नंबर पर आ रहा है ठीक है और अगर मैं ये कहूँ कि राइट से अगर मैं इसको काउंट करता हूँ तो आप ये कहोगे भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये कितने नंबर पर आ रहा है सेवन नंबर पर आ रहा है ठीक है तो कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ये वाला जो स्टूडेंट है ठीक है अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये जो है जब मैं लेफ्ट से काउंट किया तो कहीं ना कहीं उस काउंटिंग हो गई चौथे नंबर पर आ रहा है और जब मैं राइट से काउंट कर रहा हूँ तो इस इसी पर्सन की कहीं ना कहीं डबल काउंटिंग हो रही है ठीक है तो हम क्या करेंगे कि भाई एक बार तो यहाँ से गिन लिया इस पर्सन को और यहाँ से हम इसको दोबारा ना गिने मतलब ये कि अगर मुझे टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं अगर मुझे टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं तो मैं ये कहूँगा कि उस एक पर्सन की लेफ्ट की रैंक एक पर्सन की लेफ्ट की रैंक प्लस करेंगे उसमें राइट की रैंक मतलब ये कि अगर मैं ये कहूँ कि चार रैंक इधर है मतलब चार स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं और इधर से सेवन स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो एक जो पर्सन है एक ही पर्सन जो दोनों तरफ से काउंट हो रहा है तो हम क्या करेंगे माइनस वन कर देंगे ठीक है मतलब एक बार काउंटिंग करने के लिए ये जो डबल काउंटिंग हो रही है उसको हटाने के लिए हमने क्या कर दिया माइनस वन ठीक है तो ये हमारे टोटल स्टूडेंट्स निकाल कर देगा मतलब ये कि अगर मैं एग्जांपल लूं कि टोटल स्टूडेंट्स अगर मुझे निकालने हैं तो एक पर्सन की लेफ्ट की रैंक कितनी है मेरी चार है और उसी पर्सन की राइट की रैंक कितनी है सेवन है और माइनस वन कर दूंगा तो चार और सात ग्यारह ग्यारह माइनस एक कितना आ जाएगा टेन स्टूडेंट्स आ जाएंगे मेरे टोटल ठीक है तो टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला सामने आया कि भाई टोटल अगर स्टूडेंट्स निकालने हैं तो मुझे लेफ्ट की रैंक उसी पर्सन की राइट की रैंक माइनस कर देना है मुझे वन ठीक है तो अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपके सामने टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे ठीक है चाहे कितने भी स्टूडेंट्स लाइन में बैठे हों अगर एक ही पर्सन की एक ही पर्सन की ये दोनों रैंक होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि ए, एक रैंक आपने लेफ्ट से किसी और पर्सन के ले ली और एक रैंक आपने किसी और पर्सन के ले ली ठीक है दोनों ही रैंक लेफ्ट और राइट right की जो रैंक है वो एक ही पर्सन की होनी चाहिए तभी आप इस फॉर्मूले में उसको रख पाओगे ठीक है और अगर मैं ये बात करूं कि अगर मुझे लेफ्ट से स्टूडेंट निकालने मतलब अगर मुझे टोटल स्टूडेंट्स दिए गए हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह ठीक है मान लेते हैं सिक्सटीन स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं कितने टोटल स्टूडेंट्स आपको दिए गए हैं सिक्सटीन और मैं ये कह रहा हूँ कि एक पर्सन है जो ये वाला जो पर्सन है वो लेफ्ट से सिक्स नंबर पर आ रहा है कितने नंबर पर आ रहा है सिक्स एक दो तीन चार पाँच छः ठीक है तो ये पर्सन मैंने ले लिया है ये जो पर्सन है वो छठे नंबर पर आ रहा है ठीक है अगर मैं लेफ्ट से काउंट कर रहा हूँ ठीक है वो पूछ रहे हैं कि राइट से बताओ तो राइट से बताने के लिए मैं क्या करूंगा कि अगर मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं जो कि सोलह है ठीक है उसमें से मैं ये अगर छः स्टूडेंट्स माइनस कर देता हूँ क्योंकि मुझे छः रैंक पता है ठीक है छठी रैंक इस पर्सन की है तो अगर मैं छः रैंक माइनस करता हूँ तो जिस पर्सन को मुझे काउंट करना है वो भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब ये कि अगर मुझे राइट की रैंक पता करनी है तो मैं क्या करूंगा टोटल में से मैं उस पर्सन की लेफ्ट की रैंक माइनस करूंगा ठीक है और जब मैंने लेफ्ट की रैंक माइनस करी तो जिस पर्सन को मुझे काउंट करना था वो भी मैंने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया ठीक है तो अगर मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो उस पर्सन को वापस लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वन प्लस करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा मुझे वन प्लस करना पड़ेगा इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी पर्सन की राइट right की रैंक अगर आपको निकालनी है तो टोटल में से उसी पर्सन की लेफ्ट की रैंक माइनस करनी है और वापस उस पर्सन को लाने के लिए प्लस वन करना है तो ये आपको एक फॉर्मूला मिल जाएगा जो कि राइट की रैंक right निकालने के लिए होगा और इसी प्रकार अगर लेफ्ट से किसी की रैंक निकालनी है तो आप ये कह सकते हो भाई टोटल में से उसी पर्सन की राइट right की रैंक माइनस करोगे और वापस उस पर्सन को लाने के लिए प्लस वन कर दोगे वापस उस पर्सन को लाने के लिए प्लस वन कर दोगे ठीक है तो कहीं ना कहीं आपकी लेफ्ट की रैंक भी आ जाएगी अब यही कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं टॉप और बॉटम के लिए भी लगेगा मतलब ये कि अगर मैं ये कहूं कि भैया अगर टोटल स्टूडेंट्स निकालने हैं और रैंक आपको टॉप और बॉटम से दी गई है तो मैं ये कह सकता हूं टॉप की रैंक प्लस करोगे बॉटम की रैंक प्लस करोगे और क्या कर दोगे आप इसमें माइनस वन तो आपके क्या आ जाएंगे टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे ठीक है और अगर अगर मुझे टॉप से किसी पर्सन की रैंक निकालनी है तो मैं क्या करूंगा टोटल में से बॉटम की रैंक उसी पर्सन की मैं माइनस करूंगा ठीक है और वापस उस पर्सन को लाने के लिए प्लस वन करूंगा ठीक है बिल्कुल ये लेफ्ट और राइट वाला ही कॉन्सेप्ट है कुछ अलग नहीं है यहां पर बिल्कुल भी ठीक है और अगर मैं बॉटम से रैंक निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा टोटल में से मैं टॉप की रैंक माइनस करूंगा और उस पर्सन को वापस लाने के लिए मैं क्या करूंगा प्लस वन करूंगा तो इस प्रकार मुझे टोटल स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे टॉप की रैंक भी मिल जाएगी और बॉटम की भी रैंक मिल जाएगी तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला तो सेम है अगर टॉप या बॉटम की रैंक दी गई तब भी सेम है लेफ्ट या राइट की रैंक दी गई है तब भी सेम है ठीक है तो इससे कोई घबराना नहीं है कि हमारे पास तो टॉप और बॉटम का फॉर्मूला है या लेफ्ट या राइट का फॉर्मूला है दोनों चीजें बिल्कुल सेम है टॉप को लेफ्ट या लेफ्ट को टॉप मान सकते हो बॉटम को राइट या राइट को बॉटम मान सकते हो और प्लस वन और माइनस वन तो दोनों ही केसेस में होगा ही होगा ठीक है तो अब क्वेश्चन देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था इसने कहा कि रोहन जो है वो रैंक करता है कहाँ से टॉप से और ट्वेंटी सिक्स बॉटम से ठीक है तो मतलब अगर मैं डायग्राम देखो समझो पहले डायग्राम हमें बनाना आना चाहिए अगर डायग्राम ही नहीं बनाना आया तो जब ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाएंगे मतलब इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन जब डाली जाएगी तो कहीं ना कहीं फॉर्मूला लगाने से पहले आपको इसको समझना भी पड़ेगा डायरेक्टली फॉर्मूला अभी तो लग जाएगा लेकिन आगे जैसे जैसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग पाएगा कहीं ना कहीं आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा कहीं ना कहीं सवाल को समझना पड़ेगा ठीक है चलो ये कह रहा है कि रोहन का जो रैंक है टॉप से देखो जब भी कोई रैंक बनानी है जब भी कोई आपको रैंक बनानी है टॉप से या बॉटम से ये लेफ्ट या राइट से तो अगर मुझे टॉप से रैंक बनानी है तो मैं ऊपर से लाइन खींच के आऊंगा और यहां पर एरो बना के मैं कह सकता हूं कि ये जो रैंक है वो कहाँ पर है सेवेंथ है और ये इस पर्सन को आप बना दोगे कि ये कौन है रोहन है ठीक है इसको हम बिना डायग्राम के भी कर सकते थे क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है टोटल स्टूडेंट्स निकालने का लेकिन मैं आपको कहीं ना कहीं एक डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं जो आगे आने वाले सवालों में जरूरत पड़ेगी ठीक है तो समझते हैं इसको कि एक पर्सन है रोहन जो कि ऊपर से मैं काउंट कर रहा हूं तो नंबर पर रोहन आ रहा है ठीक है कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं यहां ऐसे बना लेते हैं और नंबर पर रोहन ठीक है इस तरह से लिख लेते हैं तो फिर जब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है फिर वो भूल जाते हैं कि सेवंथ जो रैंक है वो टॉप से ली गई थी या बॉटम से ली गई थी ठीक है तो यहां पर इस तरह से नहीं बनाना है हम एक एरो ऊपर से लेकर आएंगे और उसको नाम देंगे रोहन और यहां पर मैंने लिख दिया क्या रैंक जो है वो है है ठीक और इसी पर्सन की 26th रैंक थी कहां से से बॉटम तो हमने कहा कि नीचे से फिर इसी पर्सन पर लेकर आओ ठीक है और यहां पर लिख लो क्या ट्वेंटी सिक्स रैंक की किसकी रोहन की ठीक है तो इस तरह से आपको ये डायग्राम बनाना है मतलब मैं अगर मैं दस दिन बाद भी इस डायग्राम को देखूंगा तो मुझे ये रैंक जो है छब्बीस है वो मुझे नीचे से ही दिखाई देगी कि भाई बॉटम से ही ये 26वीं रैंक थी और ये जो सेवन है कहीं ना कहीं वो टॉप से ही रैंक थी क्योंकि जब आप डायग्राम बनाते हो ना तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है कि मैंने ये जो रैंक ली थी वो टॉप से ली थी या बॉटम से ली थी तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ठीक है अब एक ही पर्सन की आपको दोनों रैंक पता है तो मैं टोटल स्टूडेंट्स निकाल सकता हूं टोटल स्टूडेंट्स मैं निकाल सकता हूं और टोटल स्टूडेंट्स कैसे भाई टॉप की रैंक प्लस बॉटम की रैंक ठीक है और माइनस कर देंगे क्या वन ठीक है जी तो टॉप की रैंक यहां पर सेवन थी और बॉटम की रैंक यहां पर कितनी थी ट्वेंटी सिक्स ये ध्यान रहे एक ही पर्सन की रैंक होनी चाहिए दोनों और माइनस कर देंगे वन ठीक है तो सेवन और ट्वेंटी सिक्स जब आप ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं थर्टी थ्री आएगा और थर्टी थ्री माइनस वन कितना आ जाएगा थर्टी टू इसका मतलब जो ये पूरी लाइन में जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं कितने हैं थर्टी टू है और आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है ऑप्शन नंबर बी तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो ठीक है पहले समझना पड़ेगा आपको कि डायग्राम कैसे बनेगा डायग्राम जब बनाना आ जाएगा और प्रैक्टिस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फिर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी छोटे सवालों में अन्यथा अगर बड़े सवाल होंगे तो डायग्राम बनाकर ही वो किए जा सकते हैं ठीक है तो समझते हैं अगला सवाल देखो इसने कहा मणिक जो है वो राइट राइट एंड से मतलब राइट वाला जो छोर होगा पंक्ति का वो राइट एंड से वो चौदहवें पर है फोर्टीन पर है और तो टोटल जो रो में स्टूडेंट्स है वो कहीं ना कहीं कितने हैं फोर्टी बॉयज हैं ठीक है, है तो आपसे पूछी गई है कि व्हाट इज इज रैंक फ्रॉम द लेफ्ट मतलब लेफ्ट से उसी मणिक की आपको रैंक बतानी है ठीक है हम क्या करेंगे देखो राइट right एंड से अगर मैं बात करूं तो राइट right एंड से इसने कहा कि ये जो मणिक है वो राइट right एंड से कितने नंबर पर था ठीक है तो आपको क्या बताना है टोटल तो पता ही है आपको रैंक बतानी है कहां से इसी पर्सन की लेफ्ट से ये वाली रैंक क्या होगी ठीक है तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या कि जब भी लेफ्ट की रैंक निकालनी है तो आप क्या करोगे टोटल में से उसी पर्सन की राइट right की रैंक माइनस करोगे और उस पर्सन को जब वापस लाना है क्योंकि जब आपने राइट right की रैंक माइनस करोगे तो कहीं ना कहीं जिस पर्सन को काउंट करना था वो भी सब हो जाएगा ठीक है तो उसको वापस लाने के लिए प्लस वन किया गया ठीक है अब अगर मैं बात करूं कि भाई आप ये बताओ टोटल स्टूडेंट्स कितने थे हमने कहा थे रखे यहां पर ठीक है और राइट right की रैंक आपको कितनी पता थी फोर्टीन वो माइनस किया यहां पर और वापस क्या कर दिया प्लस वन तो 40 में से जब 14 माइनस हो गए तो 26 बचेंगे और प्लस वन करने पर ये कितना आ जाएगा? 27 तो इसका मतलब जब आप इसको लेफ्ट से काउंट करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका ट्वेंटी रैंक आएगी ठीक है बहुत आसान है अभी के लिए सवाल जो है वो बहुत ईजी है ठीक है आगे जाके थोड़े थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे ठीक है चलो इन क्लास ऑफ थर्टी वन स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ थर्टी एंड रूपा आर सेवेंथ एंड इस बार आपको दो पर्सन की रैंक दी गई है किस किस की एक तो रुचि की रैंक दी हुई है आपको और एक रूपा की रैंक दी हुई है लेकिन दोनों ही कहीं ना कहीं केवल रैंक दी गई लेफ्ट कही या राइट से या टॉप बॉटम से नहीं बताई है इसने कहा व्हाट विल बी रैंक फ्रॉम बॉटम इसका मतलब ये जो दोनों रैंक है वो कहीं ना कहीं टॉप से होगी ठीक है चलो इसको सॉल्व करते हैं इसने कहा कि रैंक जो रुचि रू, की जो रैंक है वो कहीं ना कहीं टॉप से सेवेंथ नंबर पर है और रूपा की जो रैंक है वो टॉप से ही इलेवेंथ नंबर पर है ठीक है ये हमें दे दी गई है तो इसने कहा कि भाई बताओ बॉटम से कितनी रैंक होगी और टोटल तो आपको ये पता ही है कि थर्टी वन स्टूडेंट्स हैं ठीक चलो अब इसको देखो अगर मैं रुचि की बात करूं तो रुचि की अगर मैं बात करूं बॉटम से रैंक की बॉटम तो से रैंक के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा टोटल थर्टी वन में से उसकी टॉप की रैंक माइनस करनी पड़ेगी और वापस उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे प्लस वन करना पड़ेगा ठीक है तो थर्टी वन में से अगर मैं सेवन माइनस कर देता हूं थर्टी वन में से अगर मैं सेवन माइनस कर देता हूं तो कहीं ना कहीं ट्वेंटी फोर होगा ट्वेंटी फोर प्लस वन कितना आ जाएगा कहीं ना कहीं ट्वेंटी फाइव आ जाएगा ठीक है तो ट्वेंटी फाइव रैंक रुचि की आ गई है और देखो किसी भी ऑप्शन में इसको छोड़कर इसको छोड़कर किसी भी ऑप्शन में ट्वेंटी फाइव रैंक यहां पर नहीं दी गई है ठीक है थर्टी सेवन माइनस सेवन ट्वेंटी फोर और प्लस वन करोगे तो कहीं ना कहीं ट्वेंटी फाइव तो क्या रूपा की रैंक निकालने की जरूरत है हमने कहा नहीं बिल्कुल नहीं है क्योंकि एक ही आंसर है जिसमें ट्वेंटी फिफ्थ रैंक हमें दिख रही है जो कि रुचि की थी ठीक है तो इतना ही करना है रूपा की रैंक निकालने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है ठीक है स्मार्ट वर्क करना है आपको थोड़ा सा चलो नेक्स्ट क्लास ऑफ 90 स्टूडेंट्स इन ऑफ 90 स्टूडेंट्स बसंत रैंक इज टॉप एंड देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझो इसने कहा कि जो 90 स्टूडेंट्स हैं टोटल बसंत की रैंक जो टॉप से मतलब अगर मैं टॉप से काउंट करूं तो कहीं ना कहीं उसकी रैंक कितनी है सिक्सटी रैंक है ठीक है मैं डायग्राम बना लेता हूं कि ये जो पर्सन है वो सिक्सटी रैंक पर है और उसका नाम क्या है बसंत ठीक है ये बसंत उसका नाम है जिसकी रैंक जो है सिक्सटी पर है ठीक है उसके बाद इसने कहा कि भाई जो सुमित है उसकी रैंक फिफ्टी सेवन है अब देखो दो दो डायग्राम बन सकते हैं अगर मैं बनाऊं तो एक तो ये हो सकता है कि फिफ्टी सेवन रैंक यहां पर आ रही हो मतलब कि, कि अगर मैं बात करूं सुमित की तो सुमित हो सकता है बसंत के नीचे हो कहीं ना कहीं हो सकता है बसंत के नीचे हो ठीक है हो सकता है सुमित जो है बसंत के नीचे हो और हो सकता है डायग्राम कुछ इस प्रकार बना हो कि ये बसंत है जो कि सिक्सटी पर था और ये जो काउंट करते करते हो सकता है बसंत से ऊपर निकल गया हो फिफ्टी रैंक पर सुमित ठीक है तो ये कैसे पता लगाया जाए कि इन दोनों में से कौन सा डायग्राम बनेगा ठीक है तो कभी भी अगर दो पर्सन की रैंक यहां पर दी गई हो कभी भी अगर दो पर्सन की रैंक यहां पर दी गई हो जैसा कि बसंत की रैंक टॉप से बताई गई है और सुमित की रैंक जो है वो कहीं ना कहीं बॉटम से बताई गई है तो आप क्या करोगे उन पर्सन की रैंक को टोटल करके देखो हमने कभी देखो ये सिक्सटी सेवन और फिफ्टी सेवन अगर मैं सिक्सटी सेवन और फिफ्टी सेवन को ऐड कर देता हूं तो सात और सात चौदह और ये कितनी आ रही है एक सौ चौबीस इसका मतलब अगर ये जो इनका टोटल है टोटल स्टूडेंट से ज्यादा आ रहा है है अगर इनकी रैंक का जो सम है, टोटल स्टूडेंट्स से ज्यादा आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली नहीं बैठे ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को ओवरलैप करके बैठे ये हमेशा ध्यान रखना है आपको कि कभी भी अगर इनकी रैंक का टोटल अगर इनकी रैंक का टोटल अगर कभी भी क्या होता है इनकी रैंक का टोटल अगर टोटल स्टूडेंट्स से ज्यादा आ जाए तो हमेशा ये ओवरलैप करके बैठेंगे और अगर इनकी रैंक का टोटल जो है मतलब इनकी रैंक का सम अगर 90 से कम होता तो कहीं ना कहीं बिना ओवरलैपिंग के बैठते मतलब बीच में कोई और स्टूडेंट्स ओवरलैप नहीं करते कहीं ना कहीं इस तरह के डायग्राम नहीं बनता इस तरह का बनता ठीक है तो इसका मतलब ये हम हटा देते हैं इसको ये डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है ठीक है इसका मतलब ये ओवरलैप करके बैठे अब देखो एक तरीका तो ये है इसको सॉल्व करने का कि मैं सुमित की भी रैंक टॉप से निकाल लूं ठीक है एक तरीका तो यह है कि मैं सुमित की रैंक कहां से निकाल लूं टॉप से निकाल लूं क्योंकि मुझे टोटल स्टूडेंट्स पता है मुझे इसकी बॉटम की रैंक पता है और मैं टॉप से निकाल लेता हूं तो मैं सुमित की रैंक निकाल रहा हूं सुमित्स रैंक फ्रॉम टॉप ठीक है जी तो 90 में से मैं 57 माइनस करूंगा और वापस क्या कर दूंगा प्लस वन कर दूंगा ठीक है जी तो कहीं ना कहीं नब्बे में से दस में से सात गए तीन और यहां आठ में से पांच गए तीन और एक प्लस कर दिया तो कहीं ना कहीं इसकी रैंक जो है वो कितनी आ गई कहीं ना कहीं इसकी रैंक जो है वो चौंतीसवीं आ गई ऊपर से ठीक है अब देखो कितना लंबा क्वेश्चन हो गया ये थर्टी फोर्थ रैंक आ गई अब मैं क्या करूंगा यहां तक तो सिक्सटी सेवन है यहां तक अगर मैं टॉप से काउंट कर रहा हूं तो सिक्सटी सेवन है और यहां तक चौंतीस है अगर मैं ये स्टूडेंट हटा दूं ऊपर के 34 मतलब कि जिसमें सुमित भी शामिल है अगर मैं उसको हटा देता हूं तो मेरे पास ये स्टूडेंट्स बचेंगे लेकिन उसमें अभी बसंत भी है ठीक है तो 67 में से ऊपर से 67 में से अगर मैं ये 34 स्टूडेंट माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आएगा 33 लेकिन जब मैंने 67 में से 34 माइनस किया तो सुमित तो सबट्रैक्ट हो गया ये तो समझ आता है हमें क्योंकि चौंतीसवीं रैंक सुमित की थी और सुमित भी सब्ट्रैक्ट हो चुका है लेकिन हमें तो बीच के चाहिए इसका मतलब मुझे इस बसंत को भी इस चौसठ में से हटाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा एक बार और माइनस करूंगा और आंसर कितना आ जाएगा कि थर्टी टू स्टूडेंट्स उनके बीच में है हाँ तो यहाँ पे थर्टी टू ये सेकंड नहीं आएगा ठीक है थर्टी टू स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उनके बीच में बैठे हैं ये सवाल है ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं हमने क्या करा ये रैंक ज्यादा आ गई तो हमने ओवरलैप करके डायग्राम बनाया फिर ऊपर से रैंक निकाली फिर हमने इसको माइनस किया तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो गया ठीक है इसको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है ठीक है ये केवल समझने के लिए था कि हम इसको कैसे कर सकते थे ठीक है अब देखो इसको समझो कभी भी अगर ऐसा हो कभी भी अगर ऐसा हो कि इनकी रैंक का जो टोटल है वो 90 स्टूडेंट्स मतलब टोटल स्टूडेंट्स से ज़्यादा आ रहा है तो आप ये देखो कितना ज़्यादा है न ट्वेंटी फोर है नाइन्टी से कितना ज्यादा है हमने कहा थर्टी फोर ज्यादा है कितना ज्यादा थर्टी फोर ज्यादा है बस इसमें से ये देखो थर्टी फोर वो स्टूडेंट्स हैं जो ये ओवरलैपिंग हो रही है कहीं ना कहीं डबल डबल, कही कही डबल काउंटिंग हो गई है कहीं ना कहीं डबल काउंटिंग हो गई है कहीं ना कहीं ये वाले स्टूडेंट्स हैं जो चौंतीस डबल मतलब दो बार गिने गए हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे इन चौंतीस में सुमित भी दो बार गिना जा रहा है और बसंत भी दो बार गिना जा रहा है तो हम क्या करेंगे इस चौतीस में से दो माइनस कर देंगे और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्योंकि ये ओवरलैपिंग में से अगर मैं सुमित हटा दूं और बसंत हटा दूं तो कहीं ना कहीं ये ओवरलैपिंग स्टूडेंट सिंगल सिंगल आ जाएंगे जो केवल आपकी एक ही काउंटिंग हो गई ठीक है चलो ये आंसर क्या आ जाएगा यहां पर थर्टी टू कैसे हुआ ये हमने टोटल देखे आपने कि दोनों की रैंक का जो टोटल है वो नाइनटी स्टूडेंट्स मतलब टोटल स्टूडेंट से कितना ज्यादा है हमने कहा थर्टी फोर ज्यादा है ठीक है तो उसमें से दो माइनस करना है आपको कैसे क्योंकि सुमित को भी माइनस करना पड़ेगा और बसंत को भी क्योंकि दोनों के बीच के ही स्टूडेंट्स चाहिए आपको ठीक है ये तो ये जो 34 आया है वो ओवरलैपिंग स्टूडेंट्स आ गए कि कितने स्टूडेंट्स ने ओवरलैप किया रैंक ठीक है लेकिन हमें ओवरलैपिंग नहीं पूछी थी हमसे पूछी थी क्या कि सुमित और बसंत के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं तो सुमित और बसंत को हटाना पड़ेगा तभी उनके बीच के स्टूडेंट्स आएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा दो इसका मतलब ये है आपको हमेशा क्या माइनस करना पड़ेगा दो ही माइनस करना पड़ेगा इस केस में क्योंकि बसंत हो सुमित हो या अमित हो कोई भी नाम हो सकते हैं यहां पर वो तो दोनों स्टूडेंट्स को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ठीक है तो यहां तक ये यह सवाल था अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं एक क्लास में वन ट्वेंटी स्टूडेंट्स है बसंत की रैंक जो है फोर्टी फोर्थ दी हुई है कहां से टॉप से और सुमित की जो रैंक है कहीं ना कहीं फोर्टी सिक्स दी हुई है कहां से बॉटम से ठीक है अब देखो अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई ये बसंत जो है वो कहीं ना कहीं फोर्टी फोर्थ फ्रॉम टॉप है और जो सुमित है वो कहीं ना कहीं फोर्टी सिक्स फ्रॉम बॉटम है ठीक है अगर मैं बात करूं क्या ये डायग्राम बनेगा हमने का बन सकता है कैसे अगर इन दोनों रैंक का टोटल टोटल स्टूडेंट से कम हो मतलब इन दोनों रैंक का सम जो है टोटल स्टूडेंट से कम हो मतलब 44 और 46 मतलब कहीं ना कहीं जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 90 आ रहा है अगर इनकी रैंक का सम टोटल स्टूडेंट से कम है तो इसका मतलब ये बिना ओवरलैप करके ही बैठेंगे ये बिल्कुल समझ आ गया अब मुझे अगर यहाँ पर मतलब ये जो बीच के स्टूडेंट्स हैं अगर मुझे ये स्टूडेंट्स निकालने हैं ठीक है थेके? तो मैं क्या करूंगा मैं कहूँगा ये टोटल जो है वन ट्वेंटी है अगर मैं बसंत तक की रैंक ऊपर से माइनस कर दूँ और सुमित की रैंक नीचे से माइनस कर दूँ ठीक है तो कहीं ना कहीं मेरे बीच के स्टूडेंट्स आ जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर आ जाएगा क्या वन ट्वेंटी में से ये दोनों रैंक माइनस करनी है नाइनटी तो आंसर कितना आ जाएगा थर्टी थर्टी स्टूडेंट आपका करेक्ट आंसर आएगा क्यों क्योंकि भाई अब आपको दो माइनस नहीं करना है क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने बसंत को भी माइनस कर दिया है और कहीं ना कहीं मैंने सुमित को भी माइनस कर दिया है ठीक है तो आंसर क्या आ जाएगा आपका थर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक क्लास में अमित की जो रैंक है लेफ्ट से थ नंबर पर है लेफ्ट से नाइन्थ नंबर पर है और सुमित जो है राइट right से कहीं ना कहीं सेवेंथ नंबर पर है ठीक है क्वेश्चन बहुत सिंपल है एक क्लास में अमित की जो रैंक है लेफ्ट एंड से नाइन्थ नंबर पर है तो डायग्राम बनाते बिल्कुल नाइन्थ नंबर पर है कहां से लेफ्ट से मतलब ये है अमित उसके बाद कहा कि सुमित जो है सेवेंथ नंबर पर है राइट right से अब हमें क्या पता कहां पर होगा हो सकता है ये ओवरलैप करके बैठा हो ठीक है अभी कुछ नहीं पता यहां पर टोटल स्टूडेंट्स भी यहां पर नहीं दिए दिए चलो यहां पर बना लिया हमने सुमित ठीक है सुमित की रैंक जो है वो यहां पर हो सकती है अगर मैं बात करूं कितनी है वो है ठीक है और ये डायग्राम कुछ इस प्रकार भी बन सकता था कि अमित नाइन्थ नंबर पर ये है और सुमित जो है राइट से अगर मैं काउंट करूं तो सेवनथ नंबर पर यह है ठीक है ये दो डायग्राम हमारे पॉसिबल थे अगर इस क्वेश्चन को देखें क्योंकि ये नहीं बताया कि ओवरलैप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कौन किसके दाई और यह हमें यहाँ पर नहीं पता है चलो इसने कहा स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन इसका स्टूडेंट उनके बीच में बैठे हैं तो दोनों में बिठा लेते हैं एक दो तीन चार पांच और छे इधर भी बिठा लेते हैं एक दो तीन चार पांच और ठीक है जी दोनों जगह पर मैंने छह स्टूडेंट्स बिठाए हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है व्हाट एग्जैक्ट ये नहीं बोला है कि कितने से बताओ उसने कहा तो तरह के डायग्राम बनते हैं या तो ये मतलब जिसमें बिना ओवरलैप है और ये, ये जिसमें ओवरलैप कर रहा है ठीक है तो अगर मिनिमम नंबर बोला है तो मिनिमम अगर बात करें तो मिनिमम हमेशा आपको ओवरलैप वाला आंसर देगा अगर ये वाला डायग्राम बना तो मतलब ये करेक्ट हुआ तो ये जरूरी नहीं है कि यह मिनिमम वाला ही डायग्राम मतलब ओवरलैप वाला डायग्राम हमेशा ही सही बनेगा या हमेशा ही मिनिमम देगा नहीं ऐसा नहीं है ठीक है अगर बाय चांस अगर दिया कि मिनिमम बताओ तो सबसे पहले आपको ये ओवरलैप वाला ही डायग्राम मतलब बनाना है आपको और अगर ये फेल हो जाता है या ये नहीं बनता या इसमें कुछ गलती हो जाती है तो आपको क्या करना है बिना ओवरलैपिंग वाला डायग्राम बना देना निश्चिंत होकर बिल्कुल ठीक है चलो अगर मैं यहां पर बात करूं डायग्राम की ठीक है तो अब मैंने क्या करा है ओवरलैप वाला लेके चल रहा हूं जो कि ये है क्या ये डायग्राम सही है पहले चेक करते हैं देखो अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो अमित है लेफ्ट एंड से नौवे नंबर पर है इसका मतलब शायद ये डायग्राम अभी तक तो ठीक है कि ये अमित नौवे पर है तो ये वाला जो पर्सन है ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आठवें पर होगा लेफ्ट से ये सातवें पर होगा छठे पर ठीक है पांचवे पर चौथे पर तीसरे पर दूसरे पर एक यहां होगा ठीक है जो पहला स्टूडेंट होगा तो डायग्राम कहीं ना कहीं ठीक बन रहा है लेकिन अगर मैं इधर से काउंट करूँ तो अगर ये जो सुमित है वो लेफ्ट से या सॉरी राइट right से अगर मैं सेवेंथ नंबर पर कह रहा हूं तो इसका मतलब सुमित के राइट right हैंड की तरफ इस तरफ छे स्टूडेंट्स होने चाहिए ना छे से ज्यादा होने चाहिए छह से ज्यादा तो होने ही नहीं चाहिए ठीक है अगर कम हुए तो वो हम बना देंगे लेकिन अगर ज्यादा हुए तो उसको घटा नहीं सकते ठीक है तो अगर यहां पर देखा जाए ये सातवें पर है तो ये कितने स्टूडेंट है एक दो तीन चार पांच छे और अमित सातवा इसका मतलब ये डायग्राम क्या हो गया आपका बिल्कुल गलत हो गया है ये डायग्राम आपका क्या हो गया है? बिल्कुल गलत हो गया है क्यों हो गया गलत क्योंकि अमित के अगर सातवें नंबर पर आ रहा है लेफ्ट से, राइट से तो अमित के राइट हैंड की तरफ इस तरफ कहीं ना कहीं छह ही स्टूडेंट होने चाहिए तभी तो अमित सातवें पर सुमित जो है सातवें पर आएगा लेकिन ऐसा यहां पर नहीं हो रहा है ठीक है अगर ये सातवें पर आ रहा है तो इसके दाई और छह ही स्टूडेंट्स होने चाहिए यहां पर ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब डायग्राम गलत है इसका मतलब ये जो आपने बिना ओवरलैपिंग वाला बनाया है ये एकदम आपको करेक्ट आंसर देगा एकदम आपको क्या देगा करेक्ट आंसर देगा और यही आपको आंसर दे देगा चलो मिनिमम भी यही देगा फिर ठीक है देखो तो अब इसमें काउंट करना है देखो नौ स्टूडेंट्स ये रहे सात स्टूडेंट ये रहे और बीच में छह तो काउंटिंग तो बहुत आसान हो गई नौ प्लस सात ठीक है और प्लस बीच में जो है वो छह स्टूडेंट्स ये हम ऐड कर लेंगे तो नौ और सात सोलह सोलह और छ कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कितने आ गए बाईस आंसर आपका क्या आ जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा ठीक है मिनिमम में भी यही आएगा और मैक्सिमम में भी यही आएगा क्योंकि ये वाला जो डायग्राम था ओवरलैपिंग वाला जो मिनिमम का बनना चाहिए था वो कहीं ना कहीं गलत हो गया है ठीक है तो ये आपको डायग्राम पहले चेक करना है कि मिनिमम के लिए पहले ओवरलैपिंग बनाना है अगर वो सही होगा तो वही आंसर देगा नहीं बना ये चेक करना पड़ेगा आपको और नहीं बना तो कहीं ना कहीं ये जो बिना ओवरलैपिंग वाला वही आंसर आपको दे देगा ठीक तो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो अब इसने कहा है कि एक क्लास में अमित की जो रैंक है वो कहीं ना कहीं बाएं ओर से मतलब लेफ्ट एंड से जो है वो कितनी है नाइन्थ है ठीक है डायग्राम बनाते हैं लेफ्ट से नौवे नंबर पर कौन है ये अमित है ठीक है और सुमित की जो रैंक है एट है राइट right से और हमें फिर से क्या बताना है यहां पर मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताना है इसका मतलब मैं पहले ओवरलैप वाला डायग्राम बनाऊंगा अगर बना तो ठीक है नहीं तो फिर बिना ओवरलैप वाला ही आपका आंसर देगा ठीक है चलो अमित यहां पर नौवे नंबर पर है और सुमित जो है यहां से राइट से अगर मैं काउंट करूंगा तो कहीं ना कहीं आठवें नंबर पर है ठीक है राइट से कितने नंबर पर है आठवें नंबर पर है और उसने कहा नेहा सिर्फ एग्जैक्टली ग्ष इन बिटवीन दम इसने कहा नेहा ही उनके बीच में बैठी है तो यहां पर हमने कहा कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं कौन है नेहा है ठीक है जो इनके बीच में बैठी है ठीक है अब वट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब देखो क्या ये डायग्राम सही है हमने कहा देखो अगर सुमित राइट से आठवें नंबर पर है इसका मतलब इसके दाई और सात स्टूडेंट्स होने चाहिए ठीक है सात से ज्यादा नहीं होने चाहिए कम होंगे तो कहीं ना कहीं यहां 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 यहाँ बनाया जा सकता है ठीक है तो हमने कहा कि देखो यहां से आठवे पर है तो इसके दाई और सात हो सकते हैं हमने कहा दो तो ये हैं बाकी कहीं ना कहीं हो सकता है राइट में हो बिल्कुल ठीक है अगर अमित नौवे नंबर पर है तो कहीं ना कहीं इसके बाएं और आठ स्टूडेंट्स हो सकते हैं दो तो ये रहे इसका मतलब बाकी इधर हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं ये डायग्राम बिल्कुल हमारा क्या बन रहा है करेक्ट बन रहा है ज्यादा नहीं होने चाहिए कम होंगे तो हम और बना लेंगे लेकिन स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं होने चाहिए ठीक है चलो अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो मुझे मिनिमम स्टूडेंट्स यही आंसर देगा ठीक है तो हम क्या करेंगे आसान मतलब देखो जैसा अभी हमने वो क्वेश्चन किया था ना जो अगर आप ये ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे हाँ ये वाला ये वाला सॉरी जिसमें ओवरलैपिंग हो रही थी ठीक है तो हम क्या कर रहे थे टोटल दोनों की रैंक प्लस की और देखा टोटल स्टूडेंट से कितना ज्यादा आ रहे हैं है तो ज्यादा आ रहे थे जितने भी ज्यादा आ रहे होंगे वो हमने ओवरलैपिंग उसको हटा दी ठीक है तो यहां पर देखो कैसे क्वेश्चन ये हो सकता है ठीक है हम क्या करेंगे आठ और नौ दोनों ऐड करेंगे ठीक है इधर से आठ नौ और इधर से आठ मतलब सॉरी इधर से नौ और इधर से आठ तो इसका मतलब नौ प्लस आठ जो है वो अभी तक सत्रह आ रहे हैं ये ओवरलैपिंग हो गई है इनमें कहीं ना कहीं डबल काउंटिंग हो गई है इन नौ में भी और इन आठ में भी डबल काउंटिंग कुछ ना कुछ तो हुई है और कितने स्टूडेंट्स एग्जैक्टली ओवरलैप कर रहे हैं तो आप यह कहोगे एक तो सुमित कर रहा है एक नेहा कर रही है और एक अमित तो हमने कहा अगर ये तीन स्टूडेंट्स में हटा दूं मतलब ओवरलैपिंग ही हटा दूं तो इसका मतलब वो सिंगल सिंगल काउंट होना शुरू हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा आपका चौदह ठीक है तो करेक्ट आंसर जो है वो एग्जैक्टली exactly क्या आ जाएगा आपका फोर्टीन ठीक है बहुत आसान ही वाले क्वेश्चन मतलब अगर आप देखोगे मतलब कम टाइम लग रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये पढ़ने भी तो पड़ेंगे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में आना पड़ेगा नहीं तो ऐसा ना हो कि जब आप एग्जाम में बैठे हो तो बस आपने पहली बार देखा और उसी को सॉल्व करने में लग गए और कहीं ना कहीं आप अपना टाइम खराब करोगे ठीक है तो कही कहीं ना कहीं बट प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको ये ठीक है जितने भी सौ डेढ़ सौ सवाल आपको रैंकिंग के मिले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे Okay, जितने भी मिले तो आपको सॉल्व करने हैं सॉल्व करने के बाद आप तैयार हो जाओगे किसी भी तरह के क्वेश्चन के लिए क्योंकि उन डेढ़ सौ में कहीं ना कहीं आप सारे टाइप के क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं वो टच कर ही लोगे ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक क्लास में अमित की रैंक जो है वो लेफ्ट से तीसवे नंबर पर है ये बार बार अमित ही आ रहा है बहुत फ्री है ये चलो लेफ्ट से थर्टीएथ नंबर पर कौन है अमित है और सुमित जो है देखो तो इसमें भी मिनिमम पूछा है ठीक है कोई बात नहीं जो सुमित है वो राइट right से ट्वेंटी फाइव पर है मिनिमम पूछा तो मैं पहले ओवरलैप ही बनाऊंगा ठीक है जी राइट right से कितने नंबर पर है ट्वेंटी फिफ्थ नंबर पर है कौन है ये सुमित है इसने कहा इफ ट्वेल्थ स्टूडेंट्स आर सिटिंग बिटवीन दम एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह लिख भी सकते हो कि बारह स्टूडेंट्स है ये ठीक है बारह स्टूडेंट्स इनके बीच में बैठे हैं तो वट मिनिमम हमने कहा मिनिमम के लिए तो मैंने पहले ही डायग्राम ऐसा ओवरलैपिंग वाला बनाया है ठीक है तो अब इसको कैसे करें देखो एक काम करते हैं बस ये रैंक जो है पहले ये देख लो थर्टी स्टूडेंट्स है इसका मतलब इसके यहाँ पर उनतीस होने चाहिए बिल्कुल बारह से तो ज्यादा ही हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर अगर ये पच्चीस आ रहे हैं तो इसका मतलब इधर चौबीस होने चाहिए कहीं ना कहीं बारह ही है बारह तेरह होंगे तो कहीं ना, कही ना कहीं बाकी इधर होंगे तो डायग्राम तो ये बिल्कुल करेक्ट बना है अब देखो कैसे कर सकते हैं पहले इसकी रैंक अमित और इसकी रैंक सुमित की ऐड कर लो रैंक ठीक है तो हमने कहा देखो पच्चीस प्लस 25 अगर मैं ऐड करूंगा तो 55 आ रही है लेकिन इन 55 में इन 55 में कहीं ना कहीं डबल काउंटिंग हो गई है क्योंकि यहां से ये जो, जो बीच के स्टूडेंट्स है वो इन 30 में भी गिने गए हैं और ये जो बीच के स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं 25 में भी गिने हैं ठीक है तो हम देखो कितने अब हम हटाएंगे कितने ओवरलैपिंग हटाएंगे देखो बारह स्टूडेंट्स तो ओवरलैप ये कर ही रहे हैं अमित भी ओवरलैप कर रहा है और कहीं ना कहीं सुमित भी ओवरलैप कर रहे हैं इसका मतलब बारह तेरवा अमित और चौदवा सुमित तो कहीं ना कहीं मुझे चौदह माइनस करना पड़ेगा और आंसर कितना आ जाएगा एक और यहां पर चार कितना आंसर आ जाएगा आपका इकतालीस ठीक है जो कि ऑप्शन में नहीं आंसर क्या आ जाएगा आपका नौ ठीक थी। है जी बिल्कुल ये ध्यान रखना है इकतालीस है टोटल ऑप्शन में कहीं तो सोचो कि नहीं इकतालीस नहीं दिया है तो बयालीस पे टिक कर दूं नहीं गलत हो जाएगा बिल्कुल जानबूझकर 42 बयालीस दिया हुआ है ठीक है हम क्या करेंगे टोटल स्टूडेंट्स जितने भी आपके पचास पचपन आए जितनी रैंकिंग की प्लस करके बारह ये तेरह ये और एक चौदह ये चौदह स्टूडेंट्स मैंने माइनस कर दिया कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो बिना ओवरलैपिंग के सिंगल सिंगल काउंट हुए हैं वो कहीं ना कहीं आंसर कितना आएगा फोर्टी वन आएगा तो इस तरह से आप बहुत जल्दी आंसर दे सकते हो तो बिना किसी और पर्सन की दूसरी रैंक निकालने के बिना मतलब किसी की हमने राइट से रैंक नहीं निकाली किसी की हमने लेफ्ट से रैंक नहीं निकाली केवल एक ही बार में टोटल स्टूडेंट सामने आ गए ठीक है लेकिन कॉन्सेप्ट उसके लिए समझना हमें पड़ेगा बिल्कुल ठीक है बिना कॉन्सेप्ट को समझे बिना तैयार करे बिना प्रैक्टिस करे ये चीजें आसान नहीं होंगी ठीक है तो पढ़ना तो जरूर पड़ेगा प्रैक्टिस तो जरूर करनी पड़ेगी ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजेश सेवन टू रोहित इन द रो ऑफ बॉय फेसिंग नॉर्थ इसने कहा राजेश जो है, एक रो में बैठा है जो, ज, जिनका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है और वो रोहित के लेफ्ट में बैठा है ठीक है कोई बात नहीं हमें नहीं पता र, रोहित कहां पर बैठा है लेकिन हम कहीं तो बिठाए ठीक है ठीके? तो देखो अगर मैं रोहित को यहां पर बिठाता हूं ठीक है जी ये रोहित है ठीक है अगर यह रोहित है तो रोहित के लेफ्ट में सेवेंथ नंबर पर तो एक दो तीन चार पांच छ सातवा ये कौन है राजेश है ये। ठीक है जी हमने कहा कि रोहित के लेफ्ट में राजेश सेवन टू द लेफ्ट ऑफ रोहित इन रो बॉयज फेसिंग नॉर्थ ठीक है इसमें विजय है कोई पर्सन जो लेफ्ट एंड से बीसवें नंबर पर है मतलब विजय जो है जब मैं लेफ्ट से काउंट करूंगा तो कहीं ना कहीं कहीं पर भी आए वो बीसवें नंबर पर आएगा लेफ्ट से काउंटिंग करते हुए ठीक है सेवन टू द राइट ऑफ रोहित इसने कहा वो जो पर्सन है विजय वो रोहित के राइट में है नंबर पर तो कहा एक दो तीन चार पांच छत ये विजय है जो कि रोहित के राइट में है नंबर पर और यही विजय इसने बोला था लेफ्ट एंड से बीसवे नंबर पर है इसका मतलब ये है जो ये बीस नंबर पर काउंट होगा लेफ्ट एंड से तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा ठीक है अब देखो आगे इसने कहा भावेश है कोई पर्सन जो राजेश के राइट में थर्ड नंबर पर है ठीक है भावेश है कोई जो राजेश के राइट में थर्ड नंबर पर है तो राजेश के राइट में थर्ड पहला राइट तो ये है सेकंड राइट ये थर्ड राइट ये इसका मतलब ये जो पर्सन है ये जो है वो कौन है भावेश है ठीक है ये कौन है भावेश है जो राजेश के राइट में तीसरे नंबर पर था ठीक है इस तरह से डायग्राम ये बना इसने कहा वही जो है वो राइट से बीसवें नंबर पर है इसका मतलब ये भावेश की ही बात कर रहा है तो भावेश को राइट से लाइन खींचते हुए हम बीसें नंबर पर इसको बना दिया राइट से ठीक है तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बना अब हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट है बिल्कुल इसने कहा हाउ मेनी बॉयज बॉयज आर देयर इन द रो बताओ कितने हैं तो हमें एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग हो रही है ठीक है तो ये पहले इससे यहां पर 20 इधर से 20 तो मैं इन दोनों रैंक को क्या कर लूंगा प्लस तो 20 प्लस बीस चालीस ठीक है चालीस तो यहां पर स्टूडेंट्स हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट ओवरलैपिंग हुए ये वाले ये जो जहां पर ये डबल लाइनिंग आ रही है वो सारे स्टूडेंट्स क्या है ओवरलैपिंग के स्टूडेंट्स है ठीक है तो कहीं ना कहीं डबल काउंटिंग हुई है इन 40 में तो माइनस करेंगे जो ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग हुई है कितने है कितने स्टूडेंट्स ने करी एक तो भावेश ने करी है एक तो भावेश ने करी है रोहित ने भी करी है और विजय ने भी करी है और ये जितने बीच में स्टूडेंट्स बैठे उन्होंने करी है तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह और एक बारह टोटल 12 लोगों ने ओवरलैपिंग करी है तो माइनस कर देंगे 12 तो 40 में से 12 गए कितना आंसर आया 28 स्टूडेंट हैं टोटल आपके रो रोमटी एट करेक्ट बिल्कुल ठीक है कभी भी अगर डायग्राम बनता है ना किस आप ये टोटल स्टूडेंट बताओ और बीच में ओवरलैपिंग हो रही है तो आप पहले तो किसी भी दो पर्सन की रैंक ऐड कर लो देखो ये यहां पर यहां पर आ रहा है पूरा और ये जो दो पर्सन की रैंक दी इनको ऐड कर लिया और इनके बीच के जितने भी ओवरलैपिंग हो रही है जहां पर ये डबल लाइन आ रही है जहां तक उतने स्टूडेंट माइनस कर दो एक बार में ही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा क्योंकि लॉजिक है ना कहीं ना कहीं देखो ये डबल लाइन क्यों आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं डबल काउंटिंग हुई है एक ही पर्सन को दो बार गिना गया अगर मैं एक बार काउंटिंग माइनस कर दूं तो कहीं ना कहीं सिंगल सिंगल काउंट हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक क्यू में गर्ल्स की एक लाइन है ठीक है दीपा जो है राइट right से एट्थ नंबर पर है चलो बनाते हैं डायग्राम दीपा जो है वो राइट right से कितने नंबर पर है भाई एट नंबर पर है ठीक है जी उसके बाद इसने कहा नीतू जो है लेफ्ट से अब नहीं पता ओवरलैप करेगा नहीं तो बिना भीन, ओवरलैपिंग के बना लेते भी लेफ्ट से कितने नंबर पर है ये नंबर पर है कौन नीतू उसके बाद क्या हुआ दीपा और नीतू ने आपस में इंटरचेंज करी है पोजिशन मतलब चेंज कर लिए जगह तो कहीं ना कहीं यहां पर दीपा की जगह अब यहां पर नीतू होगी और इस नीतू की जगह यहां पर क्या होगा अब

देखो यहां तक अगर मैं बढ़ता हूं तो बारह नंबर आ रहा है इससे आगे चलेंगे तो बढ़ना चाहिए हमने कहा इससे आगे बढ़े हैं तो इक्कीस आ रहा है इसका मतलब करेक्ट है अगर ये घट जाता तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग करके बैठते चलो ये इस तरह से बन गया हमारा डायग्राम अब इसने कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विचविल विल बी द दीपाल पोजिशन ऑफ फ्रॉम राइट ठीक है कोई बात नहीं हम क्या करेंगे देखो क्या मैं टोटल स्टूडेंट्स निकाल सकता हूं टोटल स्टूडेंट्स बिल्कुल निकाल सकता हूं क्योंकि मुझे एक ही पर्सन की लेफ्ट से भी रैंक पता है और उसी पर्सन की मुझे राइट right से भी रैंक पता है इसका मतलब ये दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आठ प्लस इक्कीस आएगा ठीक है और माइनस क्या कर दूंगा वन तो कितना आ जाएगा आंसर आपका अट्ठाइस इसका मतलब हम इस वाली जो रो में टोटल स्टूडेंट्स है वो अट्ठाइस है ठीक है यहां तक हमारा काम खत्म लेकिन इसने कहा कि दीपा बताओ कहां से राइट से ये जो दीपा है राइट right से कौन सी रैंक होगी अगर मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स है तो मैं राइट right से भी रैंक निकाल ही सकता हूं तो राइट right से रैंक निकाल सकते हैं टोटल में से आपको दीपा की लेफ्ट की लेफ्ट रैंक माइनस करना है और प्लस वन कर देना है ठीक है जी अट्ठाईस में से अगर मैं बारह माइनस करूं तो कहीं ना कहीं सोलह आएगा और प्लस वन करोगे तो कहीं ना कहीं कितना आ जाएगा सत्रह आ जाएगा ठीक है तो सत्रह आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी पर रहेगा इस तरह से ये क्वेश्चन इंटरचेंज करने वाले करने होते हैं ठीक है एक पर्सन की रैंक आपकी मिलेगी दोनों उससे टोटल स्टूडेंट्स आप निकाल लेना और उसके बाद जिस पर्सन की लेफ्ट से या right राइट से रैंक पूछी गई है वो आप निकाल देना तो बहुत आसान क्वेश्चन ये हो जाता है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और ये आज की क्लास का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इन अ रो ऑफ फोर्टी गर्ल्स ठीक है एक फोर्टी गर्ल्स की एक रो है उसमें कोमल को शिफ्ट किया गया उसके लेफ्ट में कितने प्लेसेस चार प्लेसेस हमें नहीं पता कोमल कहां पर बैठी है नहीं दिया ही नहीं गया ठीक है तो हम क्या करेंगे मान लेंगे कि कहीं तो बैठी होगी कोमल ठीक है तो हमने कहा कोमल यहां पर बैठी है भाई ठीक है जी कोमल यहां पर बैठी है और इसने कहा कि इसको शिफ्ट किया गया इसके लेफ्ट में कितने नंबर पर चार प्लेसेस पर एक दो तीन चार इसका मतलब अब कोमल यहां पर बैठी है ये इसका मतलब अब ये यहां पर नहीं बैठी है या इसको साइन लगा लेते हैं कि ओरिजिनल ये अब उसकी चेंज वाली पोजीशन है कोमल की ठीक है ओरिजिनल को ऐसे ही रहने दिया और चेंज वाली पर हमने डैश लगा दिया ठीक है लेफ्ट फ्रॉम हर लेफ्ट बाय फोर प्लेसेस हर नंबर फ्रॉम लेफ्ट एंड बिकम्स टेन इसका मतलब अब जो इसकी रैंक है लेफ्ट से टेन हो जाती है कितना आसान क्वेश्चन है बिल्कुल लैंग्वेज कितनी आसान है ठीक है उसके बाद इसने कहा व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्वाति फ्रॉम द राइट एंड एक स्वाति भी आ गई अब इसमें और उसको बताना है हमें राइट right से रैंक बतानी है कौन है स्वाति स्वाति जो है थ्री प्लेसेस राइट थी कोमल की ओरिजिनल पोजीशन से तो कोमल की ओरिजिनल पोजीशन तो ये है और उसके प्लेस राइट right में कितने नंबर पर थ्री प्लेसेस पर एक दो तीन इसका मतलब ये जो है ये है स्वाति और इसकी रैंक बतानी है आपको कहां से राइट right एंड से इसका मतलब यहां से आपको इसकी रैंक बतानी है। ये क्वेश्चन पूछा है इसने ठीक है चलो चालीस स्टूडेंट्स हैं क्या मैं इसकी लेफ्ट से रैंक निकाल सकता हूं बिल्कुल निकाल सकता हूं क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि लेफ्ट से ये कोमल जो है दसवें पर है तो इसका मतलब ये ग्यारहवें पर है ये बारवा तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये जो है लेफ्ट से अगर मैं बात करूं तो ये सत्रहवें पर आ रही है कितने पर आ रही है सत्रहवें पर लेकिन लेफ्ट से राइट की रैंक निकालनी पड़ेगी ठीक है राइट की रैंक कैसे निकालेंगे भाई टोटल स्टूडेंट्स हैं चालीस माइनस करोगे लेफ्ट की रैंक कितनी सत्रह ठीक है और प्लस कर दोगे कितना वन तो कहीं ना कहीं आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहां पर चालीस में से सत्रह गए तो कितना आया कहीं ना कहीं तेईस आया और वापस प्लस वन करने के लिए आपको कितना करना आंसर आएगा चौबीस ठीक है तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि भाई चौबीस है वो कहाँ से राइट से ठीक है स्वाति की आपकी पोजिशन मिल जाती है ठीक है तो इस तरह से आपको ये रैंकिंग के क्वेश्चन करने हैं मैंने कोशिश ये करी कि इसमें सारे टाइप हमने कवर किए हैं ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे रैंक rank, रैंकिंग के अगले पार्ट में जिसमें कहीं ना कहीं एज वाले क्वेश्चन ठीक है मतलब इस ये इससे बड़ा है ये इससे छोटा है या ये इससे ज़्यादा कमाता है इससे कम कमाता है तो इस तरह के क्वेश्चन जो रैंक करने वाले होते हैं ठीक है तो वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में ठीक है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लोगों तक पहुँचाएँ उसको शेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ठीक है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू